मंदिर में जो है ये एंटर करने वाले हैं। यही है मेन मंदिर का गेट। जय बाबा बैद्यनाथ। तो ये महादेव का मंदिर है बाबा। संकल्प जो है वो बिना किए जल नहीं चढ़ता है ना। संकल्प का महत्व, संकल्प का महत्व है ना। बिना संकल्प के जल नहीं अर्पण किया जाता है। दोनों है। अगर बात करें तो हम लोग आ गए हैं ट्रेन में और ट्रेन पे बैठे हुए हैं बादल, पंकज आ गया और प्रशांत आ गया। तो टिकट विकट का कोई प्रोग्राम नहीं था। अभी हम लोग जनरल टिकट लेके, मतलब सुपर फास्ट का जनरल टिकट लेके स्लीपर बोगी में आए हैं। और आज का जो हम लोग है वो कुछ ऐसा है भाई, यहीं पे मस्त पन्नी उन्नी बिछाएंगे, झाड़ू धू है। यहाँ कुछ जो है अपना सीटिंग अरेंजमेंट जो है वो कुछ ऐसा है, बस यहाँ बैठना है और लूडो खेलते हुए जो है इस जर्नी को पार करना है और देखना है कि कौन जीतता है लूडो में। ठीक है बादल, मेरा मौका भी चल दिया। थैंक यू बादल, अपना बाड़ी आया पांच। सो फाइनली प्रशांत जो है वो विनर हो गया फर्स्ट, और सेकंड देखना है कौन होता है भाई। थर्ड फोर्थ में एक लाना है बादल को और हमको। सेकंड है पंकज, फर्स्ट है प्रशांत, एक आ गया। किसको आ गया? अभिनव को। वाह बादल को, वाह फोर्थ आया है भाई। भाई चौथा स्थान आया है पहला सीरीज में। चलिए सेकंड सीरीज शुरू करते हैं। तो नहीं मानेंगे। फाइनली सेकंड सीरीज चालू हो गया और सेकंड सीरीज में मतलब छक्का जो है वो पहला हम ही को आया है, सेकंड प्रशांत को। वाह बादल खेल रहा है सबका सीरीज, छक्का आने दो सबको। फाइनली अगर बात करें तो हम लोग पहुंच गए हैं देवघर, और देवघर में ले लिए हैं होटल, चेक इन कर लिए। पीछे बादल है, पंकज है और इधर प्रशांत है। तो हम लोग फाइनली जो है वो चेक इन कर लिए होटल में। क्या सब लोग रेडी हो गए हैं? जी। तो महादेव का नाम लेते हैं, हर हर महादेव। ये है होटल का रिसेप्शन और यहाँ पे देख सकते हैं सिंगल बेड 300, डबल बेड 450, 525, 600, 950 रुपए में एसी डबल बेड। मतलब ये जो प्राइस लिस्ट है ये सालों भर के लिए, मतलब पूरे साल जो है यही प्राइस लिस्ट रहता है। ये काफी बेस्ट चीज है और यहाँ पे आप आके स्टे कर सकते हैं। कान में थोड़ा लग रहा था ठंडा, तो आ गया है बिहारी स्टाइल में। भैया ये कौन सा जगह है जो होटल यहाँ पे है? जलसा रोड सरिता होटल। तो आपको दिखा देते हैं इसे रूट का व्यू, ये देख सकते हैं सरिता होटल जलसा रोड। फाइनली जो है वो 500-600 मीटर का डिस्टेंस था, 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे हम लोग आ गए हैं मंदिर। मंदिर के प्रांगण में आपको विजिट कराते हैं गेट। बेसिकली अभी तो अर्ली मॉर्निंग सुबह का टाइम है तो पूरा गेट वेट बंद है, बट आपको दिखा दें कि ये मंदिर का प्रांगण है। मंदिर का प्रांगण आपको घुमाते हैं और फिर जो है वो हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय बाबा बैद्यनाथ। तो ये महादेव का मंदिर है और इधर में जो है वो पैर हाथ धोने का जो है इस साइड में है जगह। यहाँ पे जो है ये फूल है, और फूल कितने का आता है? 20 रुपए का फूल आता है, और गंगा जल आता है 50 रुपए का। और यहाँ पे जो है वो अभी हम लोग पूजा करने जा रहे हैं, बाबा है, बाबा आज हम लोग को पूजा कराने वाले हैं। और ये है बाबा बैद्यनाथ धाम का मंदिर। का मान्यता है कि यहाँ का जो जल अर्पण होता है वो सावन में सुल्तानगंज से ही जल आता है, वही अर्पण होता है। और ये फूल का डलिया है सुंदर सा। महादेव से यही बोलेंगे सब कुछ, दुनिया संसार समाज सब कुछ अच्छा रहे, अच्छा से चले, और हर हर महादेव का नाम लेके चलते हैं, लाइन में लगते हैं। बात करें तो पहले कोविड से पहले मंदिर के प्रांगण में जाने का बहुत सारा रास्ता था, बट अब जो है वो पहला रास्ता इधर से है। जब हम लोग सावन में आते हैं उस समय तो बहुत दूर से लाइन लगता है, बट पहला रास्ता ये है और प्रॉपर जो है ऐसा बैरिकेड किया हुआ है। ये पूरा मंदिर का दृश्य है वो दिखना शुरू हो गया। अभी हम लोग आगे की तरफ जाएंगे, पूरा मंदिर का प्रांगण जो है वो खाने वाले। वैसे बता दें कि ये जो नया प्रांगण देख रहा है ये मंदिर का नया कंस्ट्रक्शन एरिया है, और काफी पहले से काफी डेवलप किया जा रहा है। ये देख रहा है ये सब पूरा नया कंस्ट्रक्शन एरिया है, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। बैद्यनाथ धाम जो है ना वो आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा डेवलप करने वाला है। यहाँ भी कॉरिडोर बनाने का जो है वो प्लान है, और होना भी चाहिए। बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर जो है वो 12 ज्योतिर्लिंग में एक ये भी आते हैं, और जहाँ पे हम लोग महादेव और शक्ति दोनों का एक साथ एक जगह विराजमान है और हम लोग पूजा करते हैं। तो मतलब यहाँ का एक जो पॉजिटिव एनर्जी है ना वो एक अलग लेवल का है। बोल बम 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 हर हर महादेव, हर हर महादेव, बोल बम बोल बम बोल बम।
इतना रश तो डेली बेसिस पे रहता है, मतलब जो भी डेली बेसिस है वो बहुत लोग यहाँ पे जल चढ़ाने आते हैं, जल अर्पण करने आते हैं। फाइनली पहुँच गया है मंदिर मंदिर में, और ये बेसिकली ये मंदिर है, और यहीं पे बाबा बैद्यनाथ जो है वो यही मंदिर में है। तो अभी हम लोग चलेंगे बाबा बैद्यनाथ को जल अर्पण करेंगे, उसके बाद माँ पार्वती को भी जल अर्पण करेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, बोल बम। ये हम लोग मेन मंदिर में जो है ये एंटर करने वाले हैं, यही है मेन मंदिर का गेट, और इसी के अंदर हम लोग अभी एंटर करके जाएंगे अंदर मंदिर में। मंदिर के अंदर भी कैमरा लेके जाते हैं। फाइनली मंदिर के अंदर प्रांगण में आ गए हैं, यही मंदिर का प्रांगण है, और मेन मंदिर जो है वो यहाँ है, और अभी हम लोग तो फाइनली हम लोग अभी दर्शन कर लिए महादेव को, जल अर्पण कर लिए। ये जो मेरे पीछे में बैकग्राउंड में जो ये मंदिर देख रहे हैं, ये बेसिकली महादेव का मंदिर है, और यहाँ पे जो ये बैकग्राउंड में देख रहे हैं ये माँ पार्वती का मंदिर है। तो हम लोग अभी माँ पार्वती महादेव मंदिर दर्शन कर लिए। जी का मंदिर, और यहाँ का जो मंदिर का पूरा प्रांगण है वो अभी इस ब्लॉग में घुमाने वाले हैं। हम लोग का पूजा जो है वो संपन्न हुआ, और ये जो पूजा संपन्न हुआ ये बाबा के हेल्प से हुआ, और बाबा काफी सपोर्टिव थे, मतलब अच्छे से दर्शन हो गया, और दर्शन होने के साथ साथ अच्छे से एक विधिवत जो है वो पूजा हम लोग कर पाए हैं। बेसिकली बता दें कि यहाँ पे टोटल 22 मंदिर है, और पूरा मंदिर का जो प्रांगण है ना वो आपको हम घुमाने वाले हैं इस ब्लॉग में। अभी ब्लॉग को एंड नहीं करेंगे, पूरा मंदिर का प्रांगण घुमाएंगे, और होटल का जो डिटेल था ना वो भी देंगे, फिर इस ब्लॉग को एंड किया जाएगा। फाइनली अभी मंदिर का पूरा प्रांगण घुमाने वाले हैं आपको। तो यहाँ से सरस्वती मंदिर, माँ मनसा मंदिर, माँ सरस्वती मंदिर यहाँ देखने को मिलेगा, और इस साइड में अगर बात करें तो सूर्य नारायण मंदिर है। सब मंदिर जो है वो एकदम लाइन से है, और एक प्रांगण में ही पूरा मंदिर है, टोटल 22 मंदिर है। माँ बंगला मंदिर यहाँ पे है, और हम लोग आते हैं दर्शन करते हैं, माँ का दर्शन किया जाए। जय माँ, जय माँ। ये बाबा बैद्यनाथ मंदिर है, और इस साइड में अगर बात करें तो राम सीता लक्ष्मण मंदिर जो है वो यहाँ अंदर में है, माँ सीता राम लक्ष्मण मंदिर। इस साइड में अगर बात करें तो माँ गंगा मंदिर जो है वो यहाँ पे है, माँ गंगा मंदिर, जय माँ गंगे। और उस साइड में है माँ तारा मंदिर, माँ काली मंदिर यहाँ पे है, और यहाँ पे है गौरी शंकर मंदिर। इस साइड में अगर बात करें तो आनंद भैरव मंदिर यहाँ पे है, और अगर इस साइड का बात करें तो उस साइड में भी बहुत सारा मंदिर जो है वो बाकी है। लक्ष्मी नारायण मंदिर ये है, माँ पार्वती मंदिर यहाँ है, और उस साइड में है बजरंग बली का मंदिर, और जितने भी पंडा जी हैं वो सब लोग जो है वो यहाँ सब जगह के पंडा जी हैं, मतलब ऑल ओवर इंडिया में कहीं के भी आप हैं तो यहाँ आके पूजा करा सकते हैं। पंडा का भगवान गणेश का जो है वो यहाँ पे मंदिर है, ये मंदिर जो बाबा गणेश का है, और यहाँ माँ शारदा मंदिर है। तो चलते हैं गणेश बाबा का दर्शन करते हैं, और फिर जो है वो अभी हम लोग प्रसाद खरीदेंगे, गुजरात से लेने वाले हैं, जो भी शॉपिंग है वो करेंगे, और फिर बाबा का दर्शन करके फिर चलेंगे हम लोग होटल की तरफ। बाबा गणेश का मंदिर की बात करें तो ये जगत जननी मंदिर है, और टोटल जो है वो यही मंदिर का प्रांगण है जो आपको विजिट करा है, और मेन मंदिर जो है वो बाबा बैद्यनाथ मंदिर ये है। और हम लोग का काफ़ी अच्छा पूजा हो गया, और बाबा को भी खुश कर दिए, बाबा का जो
दान दक्षिणा जो होता है, एक्चुअली क्या है ना कि कोई भी ब्राह्मण अगर आपको पूजा कराते हैं तो भोजन दक्षिणा कम से कम जरूर देना चाहिए, तो हम लोग अभी भोजन दक्षिणा महादेव के नाम से दिए हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे वेराइटीज ऑफ पेड़ा है, ये 340 रुपए है, ये 320 रुपए है और ये 280 रुपए। तो हम लोग चार पांच जगह जो है वो प्रसाद पैक करा लिए हैं। बस महादेव का नाम लेते हैं हर हर महादेव, और मौका मिले तो आप लोग भी यहाँ आइए दर्शन कीजिए। बेसिकली अगर बात करें तो बाबा हम लोग अभी दर्शन कराए हैं, और आप लोग अभी अगर देवघर मंदिर आते हैं और आपको अच्छे से दर्शन करना है तो बाबा से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अभी जा रहे हैं पटना की तरफ, इस ब्लॉग को कर देता है यहीं पे एंड। आई होप शो कि आज का ब्लॉग जो है वो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें, भाई को सपोर्ट कीजिए। आ गए हैं जसीडी स्टेशन, और यही जसीडी स्टेशन से हम लोग टिकट लेने वाले हैं, जबकि अपने पास कोई रिजर्वेशन नहीं था, इस वजह से अभी टिकट लेने वाले हैं। और यहाँ पे जो है वो कुछ कुछ फीचर्स देखे काफी अच्छा है, ये लिस्ट है आप देख सकते हैं इसको, तो ये काफी अच्छा चीज है। मतलब डोरमेट्री वोमेट्री जो है वो 150 रुपये में, 250 रुपये में, AC नॉन AC इस टाइप का है।